तेज रफ्तार हमेशा ही जान और माल की दुश्मन नहीं है, फिर वो चाहे दो पहिया वाहन हो या चार पहिया। लेकिन न जाने ये बात लोगों की समझ में कब आएगी कि एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ उन्हें आर्थिक और शारीरिक रूप से कई लोगों से काफ़ी पीछे धकेल देती है। लेकिन जब तक ये बात लोगों को समझ आएगी, लोग अपना काफ़ी कुछ गंवा चुके होंगे। आज भी दो तेज़ रफ्तार वाहनों की आमने सामने की टक्कर में वैगन आर कार के परखच्चे उड़ गए। वो तो शुक्र हुआ कि किसी की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ। हादसा हुआ है बिजनौर में बैराज रोड पर, जहां पर विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक और वैगन आर की आमने सामने की टक्कर में वैगन आर पूरी तरह से तहस नहस हो गई और ट्रक भी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे जा लगा। तुरंत इसकी खबर पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस पहुंची और राहगीरों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया, जहाँ पर उनका इलाज शुरू किया गया। लेकिन ड्राइवर की हालत ज़्यादा सीरियस होने के चलते उसे मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया। एक्सीडेंट की वजह से हाईवे पर लंबा जाम लग गया। बैराज रोड पे एक्सीडेंट हुआ है, क्या घटना है, कैसे हुई है? अब वो लकड़ा कार रही थी जैसे, ये छोटा कार जा रही थी जैसे, और कैमरे की तरफ मेट्रो ड्राइवर साहब ने बहुत बचाया। गाड़ी में कितने लोग थे? कौन सी गाड़ी? छोटी गाड़ी। दो दो आठ। कैसी हालत है उनकी? अभी थोड़ा अस्पताल ले गए दोनों को। क्या पता मुझे नहीं है। क्या अच्छा है, बढ़िया एक आदमी से।